मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द गेम ऑफ ट्रैवल। तो आज हम जान रहे हैं कोंदियूडा केव्स और हमें दो लोग और ज्वाइन करने वाले हैं, तो मिलते हैं। श्रीराम बीच पे मेरे एक फ्रेंड का वेट कर रहे हैं, यहाँ पे अभी आएगा, वो वेट कर रहे हैं। तो गाइस अभी हम इस रोड से आए और इस रोड से आने के बाद राइट टर्न मारना है। तो अभी हम कोंदियूडा गांव में पहुंच गए, वहां पे मंदिर लेगा, वहां से जाना है। गांव के अंदर नहीं जाना है, बाहर से रास्ता है वो जाने के लिए। तो अभी हम कोंदियूडा वाड़ी में पहुंच गए, अभी यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे गाड़ी पार्क की जा रही है। रहा गाड़ी चार, अभी हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा। वहाँ पे एक साइन बोर्ड है, वहाँ से लेफ्ट लेना है कोंदियूडा केव्स। और बारिश भी गिर रही है इसलिए मैं छाता लेके चल रहा हूँ। और आज हमारे साथ दो लोग और आ गए, एक मेरा भाई है आपको पता है, और मेरे दोस्त एक फ्रेंड का और एक फ्रेंड का फ्रेंड है, उसका इंट्रो करता हूँ। तो गाइस ये रोहित है मेरा फ्रेंड और ये फ्रेंड का फ्रेंड है, नाम भाई नीलेश। और ये मेरा भाई हमेशा की तरह, मेरा भाई स्लीपर पहन के आया है लेकिन फिर आज दिखाना तो नहीं चाहता था, पर क्या करें, दिखाना पड़ेगा। उसको बोला मैंने शूज़ पहनने को, उसने शूज़ ही नहीं पहना। अब यहाँ पे मास्क की कोई ज़रूरत नहीं है, मास्क निकाल दो, पूरा ऐसे ही चल के जाना ऊपर तक। नीचे रिवर है और ऊपर माउंटेन और पूरा फॉग फॉग है साइड में, बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ से जाना है, छोटा सा रास्ता है यहाँ पे। भाई ये देखो यहाँ पे फ्लावर को है, रास्ता बहुत एडवेंचरस है यहाँ पे, पूरा मड मड है साइड से। ये चुपक
चपक चपक आई तकावत। ये देखो मेरा पैर कितना अंदर तक चला गया। ये आराम से तुम पाया था आपने पूर्ण तो बता चप्पल अटक ली। ये देखो आराम से अभी एडवेंचर करते करते जाना है जाना है जाना है। यहाँ पे रास्ता ऐसा ही है झाड़ियों के बीच में से जाना है। और फिर देखो आजू बाजू में और नीचे पत्थर ऊपर बारिश पर बहुत अच्छा लग रहा है बारिश के टाइम। तो अभी हमने ट्रैक स्टार्ट ही नहीं किया तो फर्स्ट प्लेटू आगे भी गया और यहाँ पे मुझे डर लगा है ये तो गिर जाऊंगा मैं यहाँ पे। ये कंपाउंड है पहले नहीं था अभी कर दिया है और यहाँ से जाना है अंदर। ये ट्रेल बहुत अच्छा है यहाँ पे लिखा भी है बुद्धिस्ट केव्स। तो अभी हम सेकंड प्लेटू पे पहुंच गए। ग्रीनरी ग्रीनरी और ये भी ये रास्ता है वहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ पे लिखा है बहुत भी स्केल्स। तो गाइस आपको ये साउंड सुनाई दे रही है क्या वाटरफॉल की? यहाँ पे छोटा सा वाटरफॉल है पर ये ऊपर का पानी नीचे आ रहा है वही है अभी झरना। अभी यहाँ पे वाटर क्रॉसिंग करेंगे। यो यो एक वाटर क्रॉसिंग झरना है पैर धोना पड़ेगा। वाटर क्रॉसिंग कर दी है अभी अभी सीधा जाना है और एक झरना आ गया। यहाँ पे भी बहुत स्लिपरी है आराम से जाना पड़ेगा। झरना नीचे भी है वेट आपको ऊपर जाके थोड़ा दिखाता हूँ ट्राई करता हूँ दिखाने के लिए ये तो मेरे फ्रेंड्स भाई आगे जाएगा। शायद से बारिश चली गई। यस बारिश चली गई। थैंक यू सो मच गॉड। बारिश के कारण ये मोबाइल भी बाहर नहीं निकाल सकता ना मैं फिर वीडियो भी नहीं अच्छे से आ रही थी। और आगे जाके चल देखता हूँ बारिश में भी तो स्टिक लगाता हूँ और अच्छे से व्यू आएगा आपको। और आपको एक बताना तो भूल ही गया मैं तो वीडियो के बीच में बता रहा हूँ आपको यहाँ पे आने के लिए आप बॉम्बे से आने वाले हो तो करजत आने के बाद चार फाटा से श्रीराम बीच आने का और वहाँ से राइट लेने का। तो गाइस मैं पता नहीं और बाद में बताऊँगा कैसे आना है यहाँ पे। पहले आप व्यू एंजॉय करो पहले मुझे देखने दो बाद में आपको। वाटरफॉल है और ये वाटर क्रॉसिंग करना है यहाँ से जाना है। अभी यहाँ पे संभाल के जाना पड़ेगा नहीं तो ठीक ही होगा यहाँ पे भी। वाटर क्रॉसिंग बारिश के टाइम आने पे यही दिक्कत होती है जो
रिस्की पैच होते हैं, मतलब वहाँ पे पत्थर रहते हैं, वहाँ पे बहुत एलगी आ रही है, इसलिए पैर भी बहुत स्लिप रहा है। इससे गलती से गिर भी गया तो कैमरा तो जाएगा, कैमरा सॉरी मोबाइल तो जाएगा पानी में। तो गाइस और शायद से धूप भी आ रही है। हाँ तो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे आने के लिए कैसे आ रही है। और जो अभी तो ट्रेन बंद है, जब ट्रेन से आने वाले हो तो 20 मिनट का वॉक है श्रीराम बीच के लिए जाने के लिए, श्रीराम पुल पे आने के लिए। और वहाँ से आप टमटम या रिक्शा कह सकते हैं, वो भी चलेगी वहाँ पे आने के लिए। उनको बोलना सिर्फ कोंधड़ा केव्स जाना है तो छोड़ देंगे आपको, ऐसे लेफ्ट लेना है, ये सीधा नहीं जाना है, लेफ्ट लेना है। यहाँ पे भी लिखा है, अबे यहाँ पे रास्ता है। यहाँ से जाना है, यहाँ पे भी एक कंपाउंड है, वहाँ से इसे मौसम में आने का मजा ही कुछ और है। बारिश भी नहीं है और क्लाइमेट इतना सही है ना, सुपर। ये रोड है, जाना है सीधा ऊपर और यहाँ पे लिखा भी है बहुत दिस लेनी। यहाँ पे लिखा भी है ऊपर भी जाएंगे। और इधर से देखो ना क्या दिख रहा है, वहाँ पे दिख रहा है ना, वहाँ पे वो लेनी है आपको व्यू, और अच्छे से ऊपर जाके तो मिलेगा। और इधर से भी देखो गाइस, और ये वाटरफॉल है यहाँ पे, अभी हम लॉकडाउन के कारण जा नहीं सकते, लॉकडाउन है ना तो कारण जा नहीं सकते। तो यहाँ पे भी राजमाची के लिए यही रोड है जाने के लिए, पर अभी हम लोग भी जो जा रहे हैं ट्रेन से राजमाची जाने वाले हैं, वो लोनावला से हम जाने वाले हैं ऑफ रोडिंग करके। हैप्पी टेस्ट से बहुत अच्छा दिख रहा है ना गाइस, और वो भी स्लिपरी है अभी। पूरा
तो यहाँ पे जो पिलर है ये वो नए लगे गए अभी और काम चालू है यहाँ पे। सब पिलर नए हैं वो वहाँ पे और यहाँ पे ये पिलर है सूप है और यहाँ पे एक दो तीन चार ऐसे सब चारों साइड में पिलर लगाए अभी टूट गए पूरे और काम भी चालू है और यहाँ का। कोंढाणे लेनी ईस्वी सन पूर्व दूसरे शताब्दी में बनाई गई है। इस लेनी में एक चैत्य गृह, सात विहार और दो गुफाएं हैं। ये उस प्राचीन जीवन शैली की झलक दिखाती है जिसका अनुपाल बौद्ध लोग करते थे। दुर्भाग्यवश एक प्राकृतिक आपदा भूकंप ने इस गुफा के प्रवेश द्वार, जमीन और कई स्तूपों को नष्ट कर दिया है। चैत्य गृह 9 मीटर ऊंचा और 10 फुट चौड़ा है और ये छत आधा गोलाकार है। ऐसे ही वास्तु कारला और भाजे लेनी में दिखाई देती है। इस लेनी में की गई नक्काशों में स्त्री और पुरुष को विभिन्न नृत्य मुद्राओं में दिखाया गया है। सालाना अनेक लोगों की भीड़ यहाँ उमड़ती है इस पवित्र मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए। यहाँ धूम्रपान करना और शराब पीना मना है। ना कोरोना जैसे दिख रहे हैं कीटाणु वैसे। तो गाइस नीचे पहुंच गए, अभी बज रहे 12। ट्रैक स्टार्ट किया था हमने 9 बजे। बहुत अच्छा ट्रैक है, खूबसूरत है। तो इस वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करो और पहले भी वीडियो चेक करो बाद में सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस।